रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। एटा में मां की ममता हुई शर्मसार। एटा में मां की ममता हुई शर्मसार। स्थानीय लोगों ने की निर्दयी मां को फांसी की सजा की मांग। नवजात बच्चे को नहर में फेंक कर मिटा दिया माथे पर लगा कलंक। इस आरोपी महिला ने मां के रिश्ते को किया कलंकित। नहर में तैरता हुआ मिला नवजात शिशु का शव। लोगों को बिन ब्याही मां द्वारा नवजात शिशु को जन्म देने के बाद नहर में फेंकने की आशंका। जनपद एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन की शुरू। एटा में नवजात बच्चों को फेंककर हत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद का है, राजा का रामपुर का है, जहां एक कलंकित मां अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए उसे नहर में फेंककर उसकी हत्या कर फरार हो गई। जबकि हमारे देश में जन्म देने वाली मां का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता रहा है, जबकि वही जन्म देने वाली माँ ही जब हत्यारिन बन जाए तो उसे कुमाता क्यों ना कहा जाए। लेकिन देश में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जब माता ही कुमाता बनती है। अधिकांशतः इस कुकृत्य को अंजाम या तो बदनामी के डर से बिन ब्याही माँ ही अंजाम दे सकती है, या फिर वो सच में कुमाता ही होगी जिसने ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दे डाला, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने निर्दयी माँ को फांसी की सजा की मांग की। वहीं ये पूरी घटना जनपद एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक बार फिर मां कुमाता बन गई है और अपने नवजात बेटे को नहर में फेंक दिया। यूं तो औलाद का सुख प्राप्त करने के लिए लोग तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर अपना मत्था टेकते हैं और मिन्नतें करते हैं कि किसी तरह उसे अपने गर्भ से उसे औलाद हो जाए, जो एक सुपात्र होकर जिससे वो औलाद का सुख भोग पाए। हमें नहीं मालूम कि नहर में तैरता शव किस मासूम का है और इसके माँ बाप कौन है और इसका दोष क्या है, लेकिन इसका दोष सिर्फ यही है कि इसने अपनी बिन ब्याही माँ की कोख से जन्म लिया। और कौन वो अभागान माँ है जिसने इस नवजात की अपनी बदनामी के डर से इसकी जान ले ली और अपने मुंह पर पुती कालिक को इस नवजात को नहर में फेंक कर उसे मारकर अपने चेहरे पर लगी कालिक को साफ कर लिया। यह हम इसलिए इसे कालिक कह रहे हैं क्योंकि इस मासूम का जन्म लेना इतना बड़ा दोष नहीं था जिसकी वजह से इसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। अभी तो ये नवजात सिर्फ जन्म ही ले पाया था, अपने अच्छे बुरे की इसे पहचान भी ना हो सकी थी। दुनिया में जिंदगी को कैसे जिया जाता है ये सवाल भी इस मासूम के मन में मौत से पहले ज़रूर उठे होंगे। वहीं इस मासूम की मौत के जिम्मेदार माँ बाप भी खुलेआम घूम रहे होंगे, जिन्होंने अपने माथे पर लगे कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। हालांकि पुल में तैरते नवजात की सूचना देते ही जैसे ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कानून के लंबे हाथ इस मासूम की हत्यारिन मां के गिलेबान तक पहुंच पाएंगे या नहीं, या फिर थाने में दफ्तर में ही इन कलंकित माँ बाप की जुर्म की कहानी इन फाइलों में ही सिमट कर रह जाए। मेरा नाम अंकित है। अंकित, क्या हुआ, यहाँ एक नवजात बच्चे का शव मिला है, नदी में, क्या मामला है? जी, यहाँ पे एक नवजात बच्चे को किसी ने पानी में फेंक दिया गया है नहर में जी, और जिसकी के वो बताया जा रहा है कि शायद वो लड़का है और मतलब अपनी कालिक पहुँचने के लिए, अपने काले जितने भी कर्म है उन सबको मतलब ढकने के लिए उन बच्चों को ऐसे नदी में फेंक दिया गया है जी। और शायद वो बताया जा रहा है कि वो लड़का है, जो नवजात बच्चा है, हाल ही जन्मा बच्चा है। अभी इसकी तो पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन है, लेकिन वो कोई लड़की है या माँ है जिसने भी फेंका है, उसने बिल्कुल माँ बेटे के रिश्ते ममता का बिल्कुल कतई घोर अन्याय किया है। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के लिए जितनी आवश्यक कार्रवाई हो प्रशासन द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको दंड मिले, सबसे ज़्यादा इनकी जो भी हो इनको सजाए, मौत फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मतलब अभी तक कुछ पता चला है किसने ये किया है? नहीं, अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस आ गई है तो पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी, आवश्यक कार्रवाई करेगी। लेकिन बस मैं तो सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि अगर इन लोगों को पकड़ लेती हैं तो इनको सीधी सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ये अलीगंज सर्किल में थाना राजारामपुर पड़ता है और उसमें एक नहर निकलती है, नहर में इसमें खूब पानी चल रहा है। तो ग्रामीणों ने देखा होगा कि एक नवजात शिशु का शव बहता हुआ जा रहा था। उस पर पुलिस को खबर की, तत्काल मौके पर एसओ राजारामपुर पहुंचे और उन्होंने उस
बच्चे मिली है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वर्तमान में इसकी जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ उसके हिसाब से कार्रवाई।